वंस अगेन द एक्सपोर्ट मॉडिफिकेशन इज देयर इन द कार, जिस में 8000 रुपए में मिरर मात्र आपकी गाड़ी में लग जाते हैं, जो टॉप मॉडल के ORVM हम लोग देख सकते हैं कि लॉक करने पे फोल्ड एंड अनलॉक करने पे ओपन, बॉडी कलर ये आते हैं। इसकी जो वायरिंग है, इसकी जो स्विच है, इसका जो पेंटिंग का खर्चा है, सब मेरी तरफ से है दोस्तों। इसका जो स्विच है वो भी मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, आपको केवल 8000 रुपए देने हैं। पावर विंडो हम आपको लगा के दे रहे हैं पीछे, किस तरीके से द रियर पावर विंडो इज देयर, विच इज़ अ मारुति जेन्यून। पीछे की कांच पीछे से भी ऑपरेटेबल है, आगे से भी आप कर सकते हैं। स्टेयरिंग हमने लगाया है जो ZXI मॉडल का है, जो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से द आउटर पार्ट इज अ लेदर रैप, द एयर बैग इज अ लेदर रैप, वॉल्यूम प्लस माइनस कंट्रोल के साथ। लुक देखिए कि जो एयर बैग की रैपिंग से एंड जो आउटर रैपिंग से जो मुझे लुक मिल रहा है, किस तरीके का मिल रहा है। तो 5000 रुपीज का स्टेयरिंग, 3000 रुपीज की स्टाइलिंग किट टू फिट द पावर विंडो, ये एक 8000 पावर विंडो का, 8000 मिरर का, 8000 आठ आठ और आठ 24000 का जो जेड स्पोर्ट मॉडिफिकेशन के लिए आपके लिए ऑफर है। किस तरीके से ये गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी हमने अपग्रेड किए हैं, 13 इंच के टायर लग के आते थे, 14 इंच के अलॉय के साथ जो लव मिला है, एक से एक हम सिमिलर मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं। बट उतना ही मज़ा मेरे को आता है दिखाने में, क्योंकि हर नया प्रोडक्ट नवे मॉडल में हम लॉन्च करते हैं। आई लॉन्च टू यू द मॉन्स्टर हेडलाइट इन दिस कार विद द रिंग, जिसका कलर आप अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हैं। यस, जो रिंग ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई है, ये गाड़ी में नॉर्मल हेलोजन बल्ब सी लग के आते हैं, प्रोजेक्टर तो हमने लगाए हैं ही, बट उसमें जो रिंग है उसका कलर आप अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से इसका ऑपरेशन है मैं आप लोगों को, जो रिंग का कलर है किस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूं आप लोग देख सकते हैं। द कंट्रोल इज इन द मोबाइल, मुझे रेड चाहिए, रेड हो गई एंड मुझे चेंज करना है, आपको खाली अपने मोबाइल पर टच करना है, ब्लू हो गई। हमारा आज का इंटीरियर गाड़ी का पर्शियन ग्रीन है, तो पर्शियन ग्रीन हो गई। इसकी ब्राइटनेस जो रोशनी है वो कम ज़्यादा करनी है, ये भी आप अपने मोबाइल से कर सकते, ऑफ हो गई, ऑन हो गई। सी द गेटअप दोस्तों, जो लुक मुझे मिल रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। सिल्वर कलर की कार है, वाइट कलर की ग्रिल है, किस तरीके से जो ग्रिल आती है सेट ऑफ 16 पीसेस में आती है, 1 2 3 4 8 12 एंड 16। हेडलाइट में DRLs हैं जो इंटरनली अंदर से लगाई, प्रोजेक्टर है, रिंग का कलर मोबाइल से चेंज हो रहा है, प्रोजेक्टर फॉग लाइट है जिसमें 3 कलर की लाइट आपको आती है, जिसमें वाइट भी है, डार्क येल्लो भी है, वॉर्म वाइट लाइट भी है। तो जहाँ पे वाइट चलता है वहाँ चलता है, जहाँ वाइट नहीं चलता है येल्लो आपको मिलता है। सिल्वर गाड़ी पे सिल्वर कलर का डिफ्यूज़र देख सकते हैं फ्रंट में जो हमने लगाया है। द फुल बॉडी स्पोर्ट्स किट, चाहे वो टायर के ऊपर हो व्हील आर्क मारुति का जेन्यून है, चाहे हमारी साइड की स्कर्टिंग हो मारुति की जेन्यून है, चाहे हमारे डोर वाइजर हो वो मिरर इफेक्ट में है, चाहे हमारी रूफ रिल्स हो या सेल्टोस डिज़ाइन, द एरो रूफ रिल्स हैव बीन इंटीग्रेटेड। बट एक टायर के ऊपर से जो व्हील आर्क साइड स्कर्ट जा रही है, एंड आज अगर रिंग हमने लॉन्च की है तो मर्क्यूरी शेड सन कंट्रोल फिल्म भी आपके सामने हम लोग को लेके आनी थी। सिल्वर कलर की कार पे इस फिल्म का शेड ज़रूर आप लोग देख सकते हैं, एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये शेड आप लोगों को किस तरीके से लगा है। फोटोग्रामेटिक फिल्म है, धूप पड़ती है फिल्म का शेड डार्क हो जाता है, छाँव में फिल्म का शेड लाइट हो जाता है, बट धूप आपकी गाड़ी में सीट कवर जो गर्म अपने करते हैं बिल्कुल भी वो चीज़ें बात नहीं। स्पॉइलर है पीछे की तरफ, आगे की ग्रिल वाइट है, तो टेल लाइट का भी बॉर्डर वाइट में है दोस्तों। लुक देखिए, जस्ट सी द गेटअप एंड द फिनिशिंग। एक जेड स्पोर्ट की जो बैजिंग है, द जेड स्पोर्ट का मतलब है ZXI कन्वर्जन, LXI टू ZXI स्पोर्ट्स लुक जो गाड़ी को देता है। एक अलॉय, एक व्हील आर्क क्लैडिंग, एक साइड स्कर्टिंग, एक प्रोजेक्टर हेडलाइट एंड एक पर्शियन ग्रीन इंटीरियर, क्योंकि ये बार जो टच है वी कैन जस्ट सी द लुक एंड द इंटीरियर ऑफ द कार। द फुल ब्लैक विद द पर्शियन ग्रीन कलर टच, सर को पर्शियन ग्रीन चाहिए था गाड़ी में बट बहुत कम चाहिए था। किस तरीके से टॉप गियर के सीट कवर्स हैं जो एक्स्ट्रा कंफर्ट में आते हैं, 1 2 3 4 5 आर्मरेस्ट नहीं लग के आता था वो भी हमने लगाया है। एक बार फिर से हमारा हाइट सेटिंग के साथ है, गियर नॉब हो चाहे हमारी गियर के नीचे का कंसोल हो, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। द गियर कंसोल हैज बीन लेदर रैप्ड इन द पर्शियन ग्रीन कलर। द पिलर्स ऑफ द कार, द साइड कॉलम्स जिसको हम पिलर बोलते हैं,
उसको भी पर्शियन ग्रीन कलर में हमने रैप किया, चाहे स्टेयरिंग हो चाहे एयरबैग हो, ईच एंड एवरी पैनल इन द कार इज अ पर्शियन ग्रीन रैप। बट टॉप गियर के सीट कवर्स के साथ जो लुक मुझे मिल रहा है, एक बार फिर से टॉप गियर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने है। तो सीट कवर हो, आर्मरेस्ट हो, स्टाइलिंग किट एक एक आप लोग देख सकते हैं। बट एक एक गियर का जो पार्ट है, देखिए पार्ट ए को हमने कवर किया है द गियर नॉब, पार्ट बी को हमने कवर किया है द सेंटर कंसोल, पार्ट सी को हमने लेदर रैप किया है। 1, 2 एंड ऑल द 3 पार्ट्स हमको करने पड़ते हैं। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें तो एक बार फिर से नेट प्ले का टच स्क्रीन है जो ऑफलाइन मैप्स के साथ आता है। 4 स्पीकर है गाड़ी में हर्ट्स के। डैम्पिंग का वर्क किया है चारों दरवाजों में, किस तरीके से द मैक्सिमम मॉडिफिकेशन विच कैन बी डन इन अ वैगन आर। जहाँ हैंडल निकलते हैं वहाँ पे ट्यूटर हर्ट्स के जो हमारे लगते हैं, एंड डैम्पिंग का वर्क करने से जो स्टिफनेस है, आज टाटा की गाड़ी नेक्सॉन है तो उसमें डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट वैगन आर में डैम्पिंग हमको करनी पड़ती है जिससे रोड नॉइज नहीं आती है एंड स्पीकर जो बजते हैं फटते नहीं हैं। तो एक बार फिर से वैगन आर का एक बेहतरीन मॉडिफिकेशन आप लोगों के सामने है। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट दरवाज़ा खोलने पे वैगन आर का नाम एंड इल्यूमिनेशन, बट सन कंट्रोल फिल्म जो आज दोस्तों हमने लगाई है, जो शेड है, मज़ा आ गया वैगन आर में एक बार फिर से काम करके। डेफिनेटली लाइक द वीडियो। पीछे का भी डिफ्यूज़र देख सकते हैं, 2 एग्जॉस्ट के साथ है, रिफ्लेक्टर लाइट्स है नीचे की तरफ, स्पॉइलर है पीछे की तरफ, क्रोमिंग का थोड़ा सा वर्क किया है विंडो पे। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।